नमस्कार, मैं हूं जटाशंकर सिंह। आइए देखते हैं मेट्रो इंडिया न्यूज, हर खबर पर खास नजर। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना मलाड विधानसभा के तरफ से मनसे नेता आकाश पाटिल का जन्मदिन बड़े ही उत्साह के साथ, यह देखिए समर्थकों एवं पार्टी के पदाधिकारियों द्वारा कुल 16 स्थानों पर केक काटकर मनाया गया। आकाश पाटिल सामाजिक कार्यों के लिए विशेष रूप से पहचाने जाते हैं। वह हमेशा जरूरतमंद और गरीबों की सेवा करते रहते हैं। लॉकडाउन में वह काफ़ी लोगों की मदद कर चुके हैं। रक्तदान, चिकित्सा शिविर, नोटबुक वितरण जैसे आदि कार्यक्रम वह करते आ रहे हैं। यही कारण है कि मलाड़ में 16 स्थानों पर उनके समर्थकों ने केक काटकर एक साथ उनका जन्मदिन मनाया। बाबा साहब अम्बेडकर का महापरिनिर्वाण दिन है, तो सुबह हम मठ जाके वहाँ पे जो भी हमारे आश्रम से जो भी वहाँ पे प्रोग्राम्स थे, स्टेज थे अभिवादन के लिए, वहाँ सारे जगह पे हमने नमन करके आए हुए। उसके बाद जो आयोजन है ये सब कार्यकर्ता और पदाधिकारी का है, तो उसके बारे में डिटेल्स में राजू नंदनवार जो 46 के शाखा अध्यक्ष है वो बात करेंगे, वो बताएंगे आपको डिटेल। ये जो आज जन्मदिन का कार्यक्रम है जो हमने लिया है आकाश पाटिल जी के लिए, तो ये इसका विशेष महत्व ऐसा है कि देखिए ये व्यक्तिमत्व बहुत बड़े हैं, काफ़ी बड़े हैं, और हमारे पक्ष में आज जो कार्य हो रहे, जितने भी कार्य हो रहे उसका पूरा श्रेय इनको जाता है। आज मन से जो जोम से चल रही है, इनकी तरफ से हमको जो सहकार्य मिल रहा है, जो कार्य मिल रहा है, उसमें हमको बहुत ज़्यादा प्रतिसाद मिल रहा है। पर इतने बड़े व्यक्तिमत्व का मैं एक बात कहना चाहूँगा कि इनका जन्मदिन आज है 6 दिसंबर, ये बाबा साहब अम्बेडकर का जो दिन है, ये दिन के दिन जन्मदिन होना ये बहुत बड़ी बात है। मैं ये समझता हूँ कि आज हम जो जन्मदिन कर रहे हैं उसमें हम बाबा साहब अम्बेडकर को इनके यहाँ देखते हैं, इनके अंदर देखते हैं। आज उनके विचार, उनके सब सुविचार आज इनके अंदर है। आज ये जो तरह जिस तरह से हम कार्यकर्ताओं के साथ काम कर रहे हैं, हमको जो साथ दे रहे हैं और जो विचार बता रहे हैं उससे हम लोग काफ़ी आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं इसी विचारधारा की तरफ से मैं इनको वापस एक बार जन्मदिन की शुभकामनाएं देता हूं कि इसी तरह से ऐसे व्यक्तिमत्व हमसे हमेशा लगते रहे और इनका साथ हमेशा हमारे साथ बना रहे। और इनके बारे में बोलने के लिए मेरे पास शब्द नहीं, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं जो हम इतनी जल्दी बता नहीं सकते इनको, और बहुत सारे जगह जाना है, बहुत जगह जहाँ मिलना है। आने वाले दिनों में महानगर पालिका का चुनाव आ रहा है, आने वाले महानगर पालिका में जो नगर सेवक की जो इच्छा है, मेरे को ऐसा लगता है कि माननीय राज साहब के जो विचार है आज लोगों को सबसे ज़्यादा पटते हैं, सबसे ज़्यादा समझ में आते हैं। जो लोगों की समस्याओं को समझते हैं और उनके दिल की बात अपने मुँह से बोलते हैं, कि आज मेरे को ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के जो राज साहब है, आज उनके जो भाषण होते हैं वहाँ पे अदर्स लोग यानी हर कास्ट के लोग आते हैं। तो ये जो मुहिम है साहब के, जो मन से के विचार है, ये विचार आकाश पाटिल जी के भी है और उनके विचार इतने बड़े व्यक्तिमत्व हैं। मुझे लगता है कि ये व्यक्तिमत्व आज आने के बाद में यहाँ पे शायद मन से के नगर सेवक की कमी नहीं रहेगी। और लोगों को मैं ये बोलना चाहूँगा कि अगर इतने अच्छे लोग, इतने बड़े लोग और समझदार लोग जब किसी राजनीति में आते हैं, तो हम लोग को विचार कर लेना चाहिए कि हमारा देश का अस्तित्व क्या होगा और हमारा अस्तित्व क्या होगा। ये संधि छोड़नी नहीं चाहिए। मैं इतना ही कहूँगा, इस बार के महानगर पालिका में ऐसे हमारे बड़े व्यक्तिमत्व को जरूर साथ दे, मनसे को भी साथ दे और अपने देश का विकास करे। मनसे शुभेच्छा। पण महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेमध्ये त्यापासून मालाडमध्ये खूप प्रकारची प्रगती मला तरी दिसून येते। तर अशा प्रकारचं जर व्यक्तिमत्व मालाडसारख्या विभागात मिळालं, तर मागं मालाडसारख्या विभागात मनसेचे नगरसेवक जर निवडून आले, तर मला वाटत नाही की जनतेला काही त्यांच्यापुढे झुकावं लागेल। आणि आकाश पाटीलसारखे व्यक्तिमत्व जर मनसेकडे आहे, तर मालाडचा विकास हा नक्कीच विकास आहे। आणि एवढं बोलून माझ्यातर्फे आकाश पाटील ह्यांना वाढदिवसाच्या लाख लाख शुभेच्छा आणि धन्यवाद। असेच ते पुढे येऊन फाउंडेशनच्या तरफे 10 साल से हमारी योजना ऑलरेडी चल रही है। जब से अभी हमने मनसे को सपोर्ट किया, मनसे में आए हैं, तब से हम लोग राज साहब के आदेश से ये सारे कार्यक्रम अपने हाथ में लिए हैं। बाकी वो पहले से चल रहा था और आगे भी चलता रहेगा। कई मेडिकल कैंप भी किया आपने? जी जी हाँ, जो जो डिमांड है जिस शाखा अध्यक्षों की, वो पूरी करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और आगे भी ये करते रहेंगे। बच्चे के दिन नहीं है, सुबह से हम बस अपने ऑफिस से जो भी शुभेच्छुक है हमारे उनके से मिलना जुलना, और बाकी आश्रम में गए थे गरीब बच्चों का जो अनाथ आश्रय है वहाँ जाके कुछ जो भी हमें देना था हमने दे के आ गए, इसी में दिन चला गया। धन्यवाद। ऐसा है जैसे जैसे कार्यकर्ता ने जा ठिकाने ठेवलेला है, ते सर्व आटपून नंतर आपण परत भेटू। धन्यवाद।